अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके लिए एक और सोशल धमाका न्यूज। लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 से पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात की तस्वीर और वीडियोस वायरल। लक्स स्टाइल अवार्ड पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है, जो 2001 के बाद से हर साल होता है। ये एक खसूसी तकरीब है जो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुनक्कद की जाती है। ये इवेंट आर्ट काफत पर तवज्जो मरकूज करती है और पाकिस्तानी फैशन फिल्मों और टीवी को फ़रोग देती है। ये तकरीब नौजवान मौसीकारों, अदाकारों, स्टाइलों को भी फ़रोग देती है। इस साल ये 2022 वाला लक्स स्टाइल अवार्ड है और इसकी शानदार तकरीब आज कराची में हो रही है। पाकिस्तान की कई मशहूर शख्सियात स्टेज पर भी परफॉर्म करेंगी, जिनमें फरहान सईद, माया अली, सबा कमर और बहुत सारी मशहूर शख्सियात शामिल हैं। अदाकार पुराने पाकिस्तानी गानों पर भी परफॉर्म करेंगे। ये अवार्ड गुज़श्ता साल की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए दिए जाएंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीमा खान हैं, फहद मुस्फा और अली जफर भी इस स्टाइल अवार्ड 2023 के इवेंट का हिस्सा होंगे। मशहूर शख्सियात खूबसूरत लिबास पहने हुए नजर आई और इन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियो मुदाहों के साथ शेयर की और मशहूर शख्सियात हैरत अंगेज नजर आ रही हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 में इनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और मुदाहों ने इसको काफी ज्यादा पसंद भी किया। जी हाँ, कुछ मुदाहों को कुछ अदाकारों का लिबास पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ अदाकारों ने बहुत ही खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है और मदाहों ने उनकी तारीफ भी की। जी हाँ, लक्स स्टाइल 2023 की कुछ खूबसूरत तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मदाहों ने इनको काफी ज्यादा पसंद किया। लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 में बेहतरीन रेड कार्पेट लुक्स की तस्वीर और वीडियो मदाहों के साथ शेयर की गई और मदाहों ने इन तस्वीर और वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया। पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात और सितारों ने रेड कार्पेट से अपनी शानदार तस्वीर और लुक्स शेयर की और सितारों ने अपनी ये तस्वीर और वीडियो मदाहों के साथ शेयर की। जबकि रेड कार्पेट अदाकारों और सितारों के लिए हमेशा बेहतरीन फैशन डिजाइनर और फनकारों का इंतखाब इनके लिए होता है। सहीफा जब्बार पाकिस्तानी अदाकारा स्टार हैं, इन्होंने भी लक्स स्टाइल अवार्ड रेड कार्पेट से अपनी एक लुक मदाहों के साथ शेयर की। वो खूबसूरत सियाह लिबास में नजर आई, जबकि खूबसूरत शानदार सियाह लिबास में इनकी शक्ल मुख्तलिफ नजर आ रही है। आयमा बेग पाकिस्तानी मशहूर गुलकारा और स्टार आयमा बेग सिल्वर कढ़ाई वाले खूबसूरत लिबास में नजर आई, जबकि इनका ऊपरी हिस्सा बगैर आस्तीन के है, जबकि इनका मेकअप इंतहाई सॉफ्ट किया हुआ है। इसके अलावा आयमा बेग अपने बालों के लिए सादा लुक कर्ल का इंतखाब करती हैं और ये इस लिबास में बेहद हसीन नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की मशहूर मॉडल और ड्रामा स्टार आमना इलियास को खूबसूरत साड़ी पहने हुए देखा गया। बाजी स्टार आमना इलियास के साथ नजर आई, इन्होंने इस पर बहुत कम से कम जेवरात पहने हुए हैं। इनके बालों का स्टाइल मजमू लिबास के लिए बिल्कुल ठीक है। आमना जानती है कि रेड कार्पेट पर किस तरह लोगों की तवज्जो हासिल करनी है। कसूरी के सिंगर और स्टार शीगुल इस बार लक्स स्टाइल अवार्ड में नजर आई। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार पे एक गाने में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की, जबकि शीगुल अपने लहराते बालों के स्टाइल के साथ बगैर आस्तीन के सफेद लिबास में नजर आई, जिसमें वो बेहद हसीन नजर आ रही हैं। सबा कमर इंतहाई पुरकश नजर आ रही हैं और इनका रूप बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है, जबकि वो हल्की लंबी दुम वाले लिबास के साथ शॉर्ट टॉप पहने हुए नजर आए और इस लिबास में सबा कमर बेहद हसीन नजर आ रही हैं। सबा कमर ने रेड कार्पेट में सबकी तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली। जी हाँ, सबा कमर में इंतहाई खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद हसीन नजर आ रही हैं और हर किसी ने सबा कमर के इस लुक को बेहद पसंद किया। हानिया आमिर डिम्पल गर्ल हानिया अक्सर अवार्ड में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं, जिसमें उन्होंने सियाह कलर का खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है और हर कोई हानिया का दीवाना हो गया। जी हाँ, हानिया ने सियाह लिबास का इंतखाब किया और वो रेड कार्पेट पर सब लोगों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। पाकिस्तानी गुलकारा स्टार अली जफर अपनी अहलिया के साथ नजर आए, दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अली जफर और इनकी बेगम ने ब्लैक कलर का खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है, जिसमें बेहद हसीन नजर आ रहे हैं। रेड कार्पेट में फहद मुस्फा भी नजर आए, जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार सा लिबास पहना हुआ है और मदार इनके बेहद दीवाने हैं और रेड कार्पेट पर आते ही फहद मुस्फा की फैन फॉलोइंग में और ज्यादा इजाफा हो गया है।
को फहद मुस्फा के ये लुक बेहद पसंद आई। लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 में बेहतरीन रेड कार्पेट की तस्वीर और वीडियो मदाहों के साथ शेयर की गई और मदाहों ने अपने पसंदीदा एक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद किया। बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक लक्स इज ऑलवेज फुल ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर एंड सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। इस बार एडेड मजा ये है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माय फिल्म द मस्तम विच इज नॉमिनेटेड, सो वेरी हैप्पी फॉर दैट, वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी। इन फैक्ट वेरी डाइवर्स के बाद से हर साल होता है। ये एक खूबसूरती तकरीब है जो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट और फैशन इंडस्ट्री की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मनाकत की जाती है। ये इवेंट आर्ट काफत पर तवज्जो मरकूज करती है और पाकिस्तानी फैशन फिल्मों और टीवी को फरोग देती है। ये तकरीब नौजवान मौसीकारों अदाकारों स्टाइलों को भी फरोग देती है। इस साल ये 2022 वाला लक्स स्टाइल अवार्ड है और इसकी शानदार तकरीब आज कराची में हो रही है। पाकिस्तान की कई मशहूर शख्सियात स्टेज पर भी परफॉर्म करेंगी, जिनमें फरहान सईद, माया अली, सबा कमर और बहुत सारी मशहूर शख्सियात शामिल हैं। अदाकार पुराने पाकिस्तानी गानों पर भी परफॉर्म करेंगे। ये अवार्ड गुज़श्ता साल की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए दिए जाएंगे। तकरीब के मेहमान खुसी रीमा खान हैं, फहद मुस्फा और अली जफर भी इस स्टाइल अवार्ड 2023 के इवेंट का हिस्सा होंगे। मशहूर शख्सियात खूबसूरत लिबास पहने हुए नजर आई और इन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियो मदाहों के साथ शेयर की और मशहूर शख्सियात हैरत अंगेज नजर आ रही है। लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 में इनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और मदाहों ने इसको काफी ज्यादा पसंद भी किया। जी हाँ, कुछ मदाहों को कुछ अदाकारों का लिबास पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ अदाकारों ने बहुत ही खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है और मदाहों ने उनकी तारीफ भी की। जी हाँ, लक्स स्टाइल 2023 की कुछ खूबसूरत तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मदाहों ने इनको काफी ज्यादा पसंद किया। अवाम की तवज्जो हासिल कर रहा है। जी हाँ, सबा कमर को हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड में देखा गया, जिसकी वजह से सबा कमर अपने लिबास की वजह से अवाम की तवज्जो हासिल कर रही हैं। शानदार पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्मी अदाकारा सबा कमर हालिया लक्स स्टाइल अवार्ड में अपनी मौजूदगी की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, जो अब कराची में हो रहे हैं। अदाकारा 22वें लक्स स्टाइल अवार्ड की रिहर्सल के लिए कराची में थी। अदाकारा आज पुराने पाकिस्तानी गानों पर परफॉर्म भी करेंगी। अदाकारा की पहली झलक इंस्टाग्राम पर धूम मचा रही है। सबा कमर अपने सफेद लिबास में शानदार नजर आ रही है। अदा कह रहे हैं कि इन्होंने बोल्ड लिबास पहना हुआ है। खूबसूरत अदाकारा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही है, वो तस्वीर के लिए अपना पोज भी बना रही है। अदाकारा ने एक मुख्तसिब टॉप के साथ तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की, जिसमें बेहद हसीन नजर आ रही है। सबा कमर की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लक्स स्टाइल अवार्ड में सबा कमर के बोल्ड लिबास ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। मदाहों को इनका बोल्ड लिबास पसंद नहीं आ रहा। सबा कमर को लिबास के गलत इंतखाब पर अवामी रद्दअमल का भी सामना है। ज्यादातर मदाहों ने इनके मगरबी लिबास पर भी तनकीद की और कहा कि वो कुछ अरसे से इंतहाई मुख्तसर लिबास देवतन कर रही हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि भूल जाएं कि ऐसा लिबास पहनना मना है या नहीं, बात यह है कि इसका लिबास खूबसूरत और मुनासिब भी नहीं लग रहा। इसके अलावा ये इसे अच्छा भी नहीं लग रहा। बहुत सारे मदाहों ने सबा कमर के मजहब और कौमियत पर भी सवाल उठाए। कई मदाहों ने अदाकारा के लिए सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। जी हाँ, कुछ मदाहों को सबा कमर का ये लिबास खासा पसंद नहीं आया। उनको लगा कि सबा कमर को इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन कुछ मदाहों को सबा कमर की ये लुक बेहद पसंद आई। हाल ही में सबा कमर के ने लक्स स्टाइल अवार्ड में जो लिबास पहना हुआ है, इस पर मदाहों की शदीद तनकीद भी हुई और सबा कमर ने अपने लिबास की वजह से अवाम की काफी तवज्जो भी हासिल की। कि वो सब कुछ देखते हैं, अच्छे कंटेंट को वो खुद समझ जाते हैं, खुद सराहते हैं, तो हमें उनको डिक्टेट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक बेटियाँ
एक उसकी मिसाल है, एक बहुत सिंपल सी कहानी थी उसकी, इनोसेंस ने आई थिंक इट काइंड ऑफ वर्क एंड सम अमेजिंग एक्टर्स, अहमद साहब और भी बहुत सारे एक्टर्स. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यंग सनर्स परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली फैसल कबाडिया's परफॉर्मेंस, एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी द होल इवेंट. कैसी एक्साइटेड है लक्स के लिए आपको? बहुत हमेशा एक्साइटेड होते हैं, दोस्त मिलते हैं. सही. अच्छा वनीजा, किसको सपोर्ट कर रहे हो मॉडलिंग कैटेगरी में, क्योंकि आपका सारा बिकॉज वी एक्सपेक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए. देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जी हाँ, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके. मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें.